पालका में कुछ नहीं होगा, अगर मर भी जाएंगे तो वो एक कफन नहीं देंगे ले आने। क्यों नहीं देंगे कफन? क्योंकि जब मेरा आदमी मरा था ना तो मुझे कुछ भी नहीं दिया था, मेरे माँ बाप ने किया सब। आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? कितने साल, हम तो जन्म ही तो महता माँ। आपके पति क्या काम करते हैं? पति जो अंशकालीन महते सो खत्म हो गए, 3 साल हो गए उन्हें खत्म हुए। आप कब से काम कर रहे हैं? हम भी खत्म हो गए थे, 3 साल हो गए, 3 महीना बाद, 4-5 महीना बाद करने लगे थे उन्हें की जगह। आप नगर पालिका में कितनी तनख्वाह पे काम कर रहे हैं? 3500 रुपये। कितने सालों से काम कर रहे हैं? करीब कम से कम 20 साल से। आपकी पेमेंट क्या मिलती है? पेमेंट मिलती है हमारी 3000। तो कौन से रूप में काम कर रहे हैं आप? अंशकालीन में? अंशकालीन में। 5 बच्चे हैं, उनको खिलाए पिलाए, जिन्हें टूटी टपाइयाँ डाली, चचारा है गो, बस का भी परेशानी है, पन्नी डली हैगी, कैसे हम उनको पालन पोषण करें, कैसे पढ़ाए लिखाए, कैसे का करें बताओ। आप लोगों ने ये हड़ताल क्यों किया? हड़ताल इसलिए की कि मतलब वेतन बढ़ाओ, जितने हमारे बच्चन को हो सके कम से कम उतनी तो दो हमें, कलेक्टरेट दिया जाए। के रहने वाले हैं? टीकमगढ़ के। आप यहाँ कितने साल? हम तो जन्म ही तो बहुत हमारा कितना बात करने लगे थे उन्हें की जगह पर काम कर रहे कर्मचारी, कम से कम इतने तो दो अपने बच्चन को खवा सकें, 2 टाइम और पढ़ा सके लिखा सके, का करें बताओ। शादी लाख लड़की हो गई, बच्चे भी हो गए, लड़की भी हो गई शादी लाख, मोड़ा भी हो गए, कैसे हम पूरा करें बताओ। ना हमारा को ना है गो, मतलब हमारे को है कमावे के बच्चे। कर्मचारी जो आपके यहाँ आए हैं ये क्या चाहते हैं? संविदा वाले अपने पैसे बढ़वाना चाहते हैं। तो आपने क्या निर्णय लिया? अध्यक्ष महोदय से उनकी चर्चा हुई है तो उन्होंने बताया है कि 500 रुपये। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि जो अंशकालीन में पिछले 15 से 20 वर्षों से लगे हुए कर्मचारी हैं, उनका ये अधिकार है और शासन से प्रावधान है कि उन्हें कलेक्टर रेट में मिलना ही चाहिए और ये कलेक्टर रेट से इन्हें जोड़ना चाहिए। इसमें बदलाव के लिए जो यहाँ परिषद के CMO जी हैं, उनका नाम है विजय शंकर तिवारी जी, जिनका फ़ोन नंबर है 90098750002। आप भी कोशिश कर दबाव बनाएं, बदलाव की कोशिश करें और इस योजना को और कानून को सफल बनाएं। मैं आरती वाल्मीकि, जिला टीकमगढ़ से, इंडिया अनहट के लिए।